सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे। और आज है हमारी 26 जनवरी, यानी कि आज रिपब्लिक डे है। और रिपब्लिक डे की आप सभी जितने भी हमारे फाउंडर्स हैं, हमारी इस फाउंडर कम्युनिटी की तरफ से सभी के लिए, टेक्निकल टीम के लिए और सभी फाउंडर्स के लिए वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। और आज 26 जनवरी के दिन कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट, यानी कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप सब लोगों के काम की भी है। यानी कि कहते हैं कि समझदार के लिए इशारा काफी होता है। और यहाँ पे जो भी अपडेट मैं आपको बताने वाला हूँ, वो अपडेट सुनने के बाद फिर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अपडेट हमें किस तरफ लेके जा रही है, यानी कि जो अपडेट आज की है। और ये SOFRS सर के द्वारा दी गई अपडेट है और बहुत ही जल्दी ये हम सब लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये आप गुड न्यूज भी बोल सकते हैं इसके लिए। ये एक आप सब लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए एक गुड न्यूज भी है, क्योंकि अब हम बहुत जल्दी बहुत बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। क्योंकि एक एक कदम करके हम कितना चल चुके हैं आपको पता है, अब बस कुछ ही कदम हम दूर रह गए हैं अपने इस पब्लिक में आने से, इस दुनिया में पूरी तरीके से आने से। अब यहां पे जो आज की अपडेट है उसमें एक पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कल जो रात को एक वेबिनार हुआ था हमारा 360 वेबिनार, उसमें हमारे SR भी आए थे और SR ने एक बहुत ही अच्छी वहां पे अपने आपको अपडेट भी दी थी, उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो अपनी अपडेट को शुरू करने से पहले आप अपने वेबसाइट पे जाएं onpassive.com पर। वहां पे उसका अपना एक नया लुक आ चुका है, वो अपने एक नए लुक में है। सभी लोगों को वहां पे विजिट तो करना ही करना है, क्योंकि वो एक हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है और ये वेबसाइट पूरी पब्लिक में ही, पूरी तरीके से पब्लिकली यही वेबसाइट रहेगी। जो भी कस्टमर, रीसेलर या कोई भी व्यक्ति अगर हमारे इस सिस्टम के अंदर आता है तो वो इसी onpassive.com से ही आएगा। तो हर हफ्ते में या 15 दिन में, हर हफ्ते में यहाँ पे एक नया चीज हमें देखने को मिलता है। कुछ चीजें यहाँ पे जो है अपडेट होती हैं और कुछ चीजें जो फालतू की चीजें होती हैं उनको बाहर निकाल के अलग कर दिया जाता है, और जो काम की चीजें होती हैं उसको इस सिस्टम में तुरंत डाल दिया जाता है कि अब ये काम की चीज है। तो यहाँ पे जो वेबसाइट हमारी जो चेंज हुई है, तो सबसे पहले तो आप इसको आज जाकर के देख लो। उसके बाद अभी जो 360 का वेबिनार हुआ था तो उसमें SR आए थे और उन्होंने, SR ने क्या कहा था, सभी से कहा था कि onpassive is on। जी हाँ, onpassive is on, यानी कि onpassive हमारा ऑन हो चुका है। अब इसमें बहुत ही जल्दी हम पब्लिक के बीच में जाने वाले हैं, इसलिए उसी हिसाब से जो है सारा का सारा काम चल रहा है। बहुत सारी चीज बदलती हुई हम सब लोग देख रहे हैं। 2018 से लेकर के अगर हम 2022 लास्ट तक का अगर हम समय, जब से आप इस onpassive के अंदर आए हैं, तब से आपने इसके अंदर क्या क्या बदलाव देखे हैं, वो तो आपको खुद ही पता होगा कि स्टेप बाय स्टेप हम बहुत सारी चीजें जो है बदलते हुए आ रहे हैं। बहुत सारी चीजें जो हमारे काम की हैं वो तुरंत ही इसके अंदर आ जाती हैं। इकोसिस्टम आ गया, onpassive की वेबसाइट आ गई, हमारा बैक ऑफिस भी आ गया। अब यहाँ पे और भी चीजें अभी आनी बाकी हैं। एक तो ये चीज बताई थी कि हमारा onpassive पूरी तरीके से ऑन हो चुका है, पहली चीज तो ये सुन लीजिए आप, क्योंकि अब हमें ज्यादा वेट नहीं करना है और बहुत बहुत जल्दी जो है onpassive वो काम करने वाली है जिसका हम सब लोग वेट कर रहे हैं, या बहुत सारी जो पब्लिक है वो भी देखना चाहती है कि क्या onpassive वो काम कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। तो अब पब्लिक को दिखाना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी आसपास जो कि अभी इंतजार कर रहे हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएगी, ऐसे लोगों को भी जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे SOFRS सर ने पहले तो ये बात कही थी। दूसरी बात इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि मेंबरशिप, जो अभी हमारा onpassive की वेबसाइट पे आपने एक बटन देखा होगा, जब हम अपना इकोसिस्टम बनाते हैं, इकोसिस्टम के अंदर एंटर होते हैं और अपना ओमेल बनाते हैं, तो हम फाउंडिंग मेंबर रजिस्टर हियर एक बटन है, उसमें एक फाउंडर का लोगो भी बना हुआ है। तो अभी वो हम सब लोगों को दिखाई दे रहा है वहां पे, अगर किसी का ओमेल नहीं बना है तो SR ने बोला है कि प्लीज आप सब लोग अपना अपना ओमेल जल्दी से जल्दी क्रिएट कर लें। दूसरी बात, अगर
किसी को कोई दिक्कत आ रही है या फिर आप ये देखना चाहते हैं कि किसने वो मेल बनाया है या किसने वो मेल नहीं बनाया है, तो आप अपना इकोसिस्टम को खोलें, अपने यूजर वाले पैनल में जाएं, वहां पे आपके डायरेक्ट के सारे यूजर्स ब्रांड एम्बेसडर्स आपको वहां पे दिखाई दे जाएंगे। वहां पे जिसका नहीं बना होगा अनरजिस्टर्ड लिखा होगा उसके आगे, और जिसका ओमेल क्रिएट हो गया होगा उसके आगे डेट लिख गई होगी कि इस डेट में उसका बन गया है। अब जिस व्यक्ति का या जिस ब्रांड एम्बेसडर का ओमेल नहीं बना है तो उसे आप एट रैंडम तुरंत कॉल करें, इमीडिएटली उसे कॉल करें, ईमेल करें, जिससे कि उसको ये मालूम हो जाए कि ओमेल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अभी ओमेल बनाने के लिए ज्यादा लोग नहीं बचे हुए हैं, कुछ ही लोग बचे हुए हैं, इसलिए एस मुफारिस साहब ने बोला है कि अपने अपने पैनल में जाकर के, यूजर पैनल में जाकर के आप एक बार चेक कर लें, क्योंकि चेक करने के बाद आप उनको एक बार कॉल कर लेंगे तो रिमाइंड करा सकते हैं, बना लेंगे अच्छा है, और अगर नहीं बना पाते हैं तो फिर ये कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, ये उनकी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, फिर बाद में वो ये ना कह पाए कि हम लोगों को साथ में लेके नहीं गए। ओके, तो यहां पे फाउंडिंग मेंबर रजिस्ट्रेशन हियर, ये जो ऑप्शन है हमारा वेबसाइट पर onpassive.com की वेबसाइट पर, अगली जो वेबसाइट आने वाली है, क्योंकि आपको बताया कि हर हफ्ते जो है चेंज होती है वेबसाइट, अगले हफ्ते जो भी वेबसाइट आएगी या जैसे ही ये रिपब्लिक डे का पूरा जो पोर्शन चेंज होकर के एक नई वेबसाइट हमारे सामने आएगी, तो उसमें ये वाला ऑप्शन नहीं रहेगा, इसमें ये वाला ऑप्शन पूरी तरीके से परमानेंटली हटा दिया जाएगा। अब यहां पे कुछ लोगों को दिक्कतें आ सकती हैं। वैसे तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है ओमेल बनाने का, अगर वहां से ऑप्शन हट जाएगा तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन बचेगा कि आप डायरेक्टली बैक ऑफिस में जाएंगे और नेविगेट ओईएस पे क्लिक करेंगे, फिर वहां जाकर के अपना आप ओमेल बना सकते हैं। लेकिन अगर कल को आपका बैक ऑफिस में से भी अगर ये सिस्टम हट गया तो कल को अगर आपका ओईएस सिस्टम OES नेविगेट OES का टैब अगर आपके बैक ऑफिस में से भी हट गया तब आप क्या करोगे, तब आप ओमेल कहां से बनाओगे, तब हमारे पास कोई भी माध्यम नहीं बचेगा ओमेल को क्रिएट करने का। दो रास्ते हैं अभी हमारे पास ओमेल को क्रिएट करने के, फाउंडिंग मेंबर रजिस्ट्रेशन हियर जो हमारी ऑन पैसिव की वेबसाइट पे है, उसके बाद हमारा बैक ऑफिस, उसमें उसमें जो है इकोसिस्टम नेविगेट ओईएस वाला टैब है कोने में जो बना हुआ है उस पे आप जाकर के कर सकते हैं, अभी बना सकते हैं। अगर यहां दोनों जगह से अगर हटा दिए गए तो फिर आप अपना ओमेल कैसे क्रिएट करोगे, और ओमेल क्रिएट नहीं हुआ इसका मतलब आप इकोसिस्टम से बाहर हो जाते हो, इसका मतलब आप कोई भी जो प्रोडक्ट हमारा होगा फ्यूचर में उसको आप किसी भी हालत में इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, फिर आपकी फाउंडरशिप में आने का मतलब ही क्या रहेगा, आपका फाउंडरशिप में आने का मतलब ही क्या रहेगा। तो इसलिए जरूरी है अपने अपने यूजर पैनल में जाकर के एक बार चेक कर लें, उनको कॉल करें, और कॉल करने के बाद उनको बता दें कि आपको इस तरीके से बनाना है, क्योंकि ये यहां से तो हटने ही वाला है। एस मुफारिस सर ने अभी 360 की वेबिनार में क्लियरली साफ साफ बोल दिया है, आप इसे कान खोल के सुन लें, क्योंकि कंपनी की कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी, ये हमारे बैक ऑफिस में मेंशन है और एस मुफारिस सर ने पूरी तरीके से बोल दिया है, ये आपकी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। और दूसरी चीज, ओमेल नहीं बन रहा है तो ये आपकी कमी की वजह से, हमारे कंपनी की तरफ से कोई भी कमी नहीं है, इसको जितना इजी बनाना था उतना इजी बना दिया, अब इससे ज्यादा इजी और क्या हो सकता है, आपसे कुछ भी नहीं मांगा जा रहा है, सिर्फ आपकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पहले से ही उसमें फिल होके आनी चाहिए। अगर वो नहीं आती है, आपका नाम और अल्टरनेट ईमेल आईडी फिल होके नहीं आती है, तो आप अपना ओमेल क्रिएट ना करें, उसका वेट करें। तो मेन चीज क्या है कि एस सर ने यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट अपडेट दी है, ऑन पैसिव ऑन हो गया है, और फाउंडिंग मेंबर रजिस्टर हियर ये ऑप्शन गायब होने वाला है, जैसे ही नेक्स्ट वेबसाइट हमारी लॉन्च होगी उसी में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। फिर जिसका बैक ऑफिस ही नहीं खुल रहा हो तो वो किस तरीके से ओमेल बनाएगा, आप खुद सोचो दिमाग लगा के, जिसका बैक ऑफिस ही नहीं खुल रहा है, जिसका कोई इंसान पासवर्ड ही भूल गया है, वैसे तो इसको भी बहुत ज्यादा आसान कर दिया है कंपनी ने, आप पासवर्ड को रीसेट भी कर सकते हो,
डायरेक्ट मेल पहुंचेगी, लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद वहां पे पासवर्ड बनाने का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा, वो भी बहुत आसान कर दिया है। लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी हाथ पैर तो चलानी पड़ेंगे ना, आप अपने हाथ पैर ही नहीं चलाना चाहते हो कि सब कुछ अपने आप हो जाए, तो ये तो इम्पॉसिबल है। खाना भी अपने आप नहीं जाता है, वो भी आप उठा के खाते हो, तो यहाँ पे इम्पॉसिबल है, आपको हाथ पैर तो चलाने पड़ेंगे। तो आपको बस एक्टिव हो जाना है अब तुरंत, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं, ये फाउंडिंग मेंबर वाला जो ऑप्शन है वो क्यों हटाया जा रहा है। अब मैंने कहा था स्टार्टिंग में समझदार को इशारा काफी, अगर आप समझदार हो तो आप समझ गए होंगे, फालतू के सवाल जवाब करने से कोई फायदा ही नहीं है। आप खाम खाई में फ्री टाइम में बिल्कुल ऐसा लगता है कि फालतू में बैठे हुए हो, है ना, समझना चाहते नहीं हो, तो आप तुरंत कमेंट कर देते हो, और कमेंट भी जो करते हैं तो उस पर कुछ उसके प्रोफाइल पे कोई मास्क लगा होता है, कोई कुछ लगा होता है, कोई ईमेल आईडी करके कुछ लिखा होता है, प्रॉपर कोई नाम ही नहीं होता है, रियल पर्सन समझ में नहीं आता कि रियल पर्सन है कौन। तो ऐसे ही लोग हैं जो यहाँ पे ज्यादा गंदगी फैला रहे हैं। तो यहाँ पे समझदारी के लिए इशारा काफी, फाउंडिंग मेंबर का रजिस्ट्रेशन बटन क्यों हटाया जा रहा है, आप खुद सोच लो, समझ लो कि कंपनी किस दिशा में जा रही है। और ऑन पैसिव इज ऑन पैसिव ऑन हो गया है, और जिनका नहीं बना है वो मैं फटाफट से बोल दो, अदरवाइज फिर आप अपनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दो, ये वो नहीं बना रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है, वो जाने उनका काम जाने। ओके, तो ये थी आज की हमारी लेटेस्ट अपडेट, बहुत ही इन्फॉर्मेशन थी, बहुत ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी, मुझे लगा कि आपको बताया जाए, क्योंकि अगर नहीं बताएंगे तो आप फिर हमारे चैनल पर जो अपडेट लेने के लिए आते हैं फिर वो भी हो सकता है कि आप सोचे कि यार यहां तो कुछ मिलता ही नहीं है। ओके, तो हमारे चैनल पे आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा मिलेगी, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको लेटेस्ट अपडेट ही यहाँ पे मिलेगी। अगर आप मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं फिर आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, बहुत सारे चैनल और भी हैं, वहां से भी आप ले सकते हैं, डोंट वरी, लेकिन हम यहाँ पे बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको लेके आते हैं। ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आप इस चीज को जो मैं आपको बताया इसको आप जरूर फॉलो करेंगे, और इसको आप जरूर अपने टीम के अंदर तुरंत बता देंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, वी आर सो इन इट टू विन इट।